हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा होगा। ये पेपर है पंजाब का, जिसे आयोजित किया गया है PSSB की तरफ से। ये पेपर है आपका बेसिकली पटवारी का। पटवारी जो पोस्ट होती है, या जिसे रेवेन्यू ऑफिसर भी कहते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर या पटवारी, उसकी पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ है। और ये एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है 14 मई को, 14 मई 2023 को ये एग्जाम कंडक्ट किया गया है। इसके अंदर 150 क्वेश्चंस हैं, मेरे को जो PDF मिला है यहाँ पर पेपर। तो हम यहाँ पर, हमारा कंसर्न रहेगा इस पेपर के अंदर जो आपके GS के क्वेश्चंस हैं या फिर जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहाँ पर बेसिकली कंसीडर करेंगे। उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे कि उनके आंसर्स क्या होंगे। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली लगभग 50-60 के आसपास आपको क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो GS का जो पार्ट है, बेसिकली पार्ट टू से हम शुरू करते हैं। उससे पहले आपके लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं, जिन्हें मैं स्किप करता हूँ, ठीक है। हम बात करेंगे यहाँ पर सिंपली 51 नंबर क्वेश्चन से। तो 51 नंबर क्वेश्चन है, वेयर डिड द गांधी जी यूज सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम। सत्याग्रह जो टर्म है, गांधी जी ने ये पहली बार कहाँ शुरू किया था? ये शुरू किया था साउथ अफ्रीका के अंदर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, थोड़ा मोटा ही कर लेते हैं, चलिए ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। डैश वॉज द मॉडरेट लीडर ऑफ कांग्रेस, वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन के अंदर 78% ऑफ नाइट्रोजन आपको देखने को मिलती है एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% देखने को मिलती है। पेट्रोलियम जो है ये फेमस है फॉर द क्रूड ऑयल। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्वाइटर, दैट इज द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। GST का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। सॉरी, हम कर चुके हैं यहाँ पर, ओके। तो 57 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम बात करें 57 नंबर क्वेश्चन की, गवर्नमेंट की वो कौन सी संस्था है जो करेंसी नोट को बनाती है या छापती है? वो करती है RBI। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ChatGPT एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट बॉक्स है, जिसे डेवलप किया है OpenAI ने। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 58 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। सॉरी, ज्यादा ही ऊपर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 59। सो देन ऑथर ऑफ मेरा रंग दे बसंती चोला जो सॉन्ग है, उसके ऑथर कौन है? वो है SS वंगारा बेदी। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। भारत इंटरनेशनल योगा डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो होता है 21 जून को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 60 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। सो 61, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, ओके। 61 नंबर क्वेश्चन में पूछा है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो सेलिब्रेट होता है कब? 5 जून को। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। विच इंडियन हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द US प्रेसिडेंट जो बाइडन टू लीड द वर्ल्ड बैंक, दैट इज द अजय बांगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 62 का, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 62 के बाद है 63 नंबर क्वेश्चन। सो ओके, 63 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नेक्स्ट ओलंपिक जो 2024 के अंदर होगा वो कहाँ होना है? पेरिस के अंदर होना है। सुनील छेत्री जो है वो एसोसिएटेड है किस खेल के साथ में? ये फुटबॉल के साथ संबंधित हैं। पूरन चंद्र वडीला ये बेसिकली किस फील्ड से संबंधित है? ये आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है बेसिकली। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 65। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। तो एक सेकंड, ओके, 65 हो गया है। 66 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। G20 की जो सेकंड एजुकेशन वर्क ग्रुप की जो मीटिंग है मार्च में हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी मार्च में अमृतसर के अंदर। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। RRR ने मूवी ने ऑस्कर जीता है किस फील्ड में जीता है? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के अंतर्गत जीता है।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 67। देन हम बात करते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 68 में आपसे पूछा गया है, नेम द पर्सन हु वॉज मरणोपरांत उसको अवार्ड मिला है पद्मश्री फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री 2023 में। यह है राकेश झुनझुनवाला, राकेश राधेश्याम झुनझुनवाला, ठीक है, इनका नाम राकेश झुनझुनवाला भी कहते हैं, बट दिस इज द फादर्स नेम आई थिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज नोन एज नर्सरी ऑफ फुटबॉल, दैट इज महिलपुर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की। ओके, थोड़ा सा ज्यादा ही ऊपर हो जाता है दो दो मिनट में। तो 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें, महाराजा रंजीत सिंह बिलोंग्स टू द सुकेर काया मिसल। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। टोटल लैंड एरिया कितना है पंजाब का, वो है 50362 किलोमीटर स्क्वायर का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 का। देन हम बात कर लेते हैं 71 के बाद है 72 नंबर क्वेश्चन। ओके, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्ड अदर नेम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन का अदर नाम क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों डाले इन लोगों ने पटवारी के एग्जाम में, मतलब कुछ तो स्टैंडर्ड रखना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। सांची स्तूप कहाँ पर है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, कहाँ पर है, एमपी में है, नियर भोपाल के पास में। रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहाँ पर शुरू होता है, इन जगहों में से हम बात करें तो मेरठ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 तक क्वेश्चन आपके ये वाले हैं। इसके बाद हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर हम जाना पड़ेगा 101 पर, क्योंकि बाकी ये इंग्लिश के क्वेश्चन हैं जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ। हमारा सिर्फ कंसर्न यहाँ पर है जीएस और कंप्यूटर के क्वेश्चन को करना। तो ये सारे इंग्लिश के क्वेश्चन हैं आपके, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पीच, इनडायरेक्ट वगैरह सब चीज़ें। ओके, देखिए 101 और 102 दो थोड़ा से दो क्वेश्चन जो थे यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके थोड़े से जीएस टाइप के हैं, बाकी फिर आपके मैथमेटिकल रिजल्ट क्वेश्चन है, और लास्ट में आपके पंजाब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें भी हम कवर करेंगे। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ द पंजाब स्टेट, प्रेजेंट गवर्नर कौन है पंजाब स्टेट के, वो है बनवारी लाल पुरोहित। ऑप्शन नंबर डी। Which of the following is the state animal of Punjab? That is the black buck. ठीक है, तो that is option number A हो जाएगा correct answer. चलिए फिर हम बात करते हैं computer से related जो questions हैं हमारे यहाँ पर। तो 127 number से computer questions हैं। बीच में जो questions थे आपके 103 से लेके 126 तक, वो आपके reasoning mathematical questions हैं। Which symbol is used in MS Excel to begin the formula? उसके लिए आपका equal sign आप use करते हैं। Option number सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, डाटा गेट लॉस्ट फ्रॉम द पावर ऑफ, जब पावर ऑफ हो जाएगी डाटा लॉस हो जाएगा, क्योंकि कैश मेमोरी में वो स्टोर होता है, मेन मेमोरी में वो चीज़ें नहीं देखने को मिलती। तो फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की, 129 नंबर क्वेश्चन। सो ओके, जस्ट अ मिनट, 129 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। इसमें आपसे पूछा गया है कि विच की ऑफ द कीबोर्ड इज यूज टू चेंज द केस ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम लोअर टू अपर, दैट इज शिफ्ट को हम यूज करते हैं। सर्च, जब कोई डॉक्यूमेंट में हमें कोई टेक्स्ट सर्च करना होता है तो हम कंट्रोल फाइल को प्रेस करते हैं, कंट्रोल एफ, बेसिकली कंट्रोल फाइंड, नॉट फाइल, कंट्रोल एफ। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की। तो 131 में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग Will you use to view web page on the web computer? That is the web browser रहता है। Option D is the correct answer रहेगा। Which of the following is not an example of operating system? Operating system का example नहीं है, वो है MS Office is not an example of operating system। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगले question की तरफ। So हमारा question number 30, okay, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो गया। Okay, 33 number question है, 133 number question।
Portrait and landscape are the example of page orientation. Which of the following operations will you perform if you need to move some text from the word to documents? So इसके लिए आप copy या cut paste basically आप move कर रहे हैं ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ move, आप move कर रहे हैं मतलब एक जगह से हटा के दूसरी जगह रखना है, तो cut करना है और फिर उसे paste कर देना है, ठीक है। Next है हमारा next question, question number 135. The basic unit of the worksheet into which enter the data in Excel, that is the cell. करेक्ट फॉर्मेट है ईमेल का क्या होगा, सैम्पल एट द रेट gmail.com, इस तरीके से हम अपनी मेल आईडी इसको बनाते हैं, इसको लिखते हैं, ऑप्शन नंबर हो गया बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी हैं, मतलब बहुत ही ईजी, ठीक है। अभी हमने कहाँ तक पहुँच गए थे, हम पहुँच गए थे ओके 137 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ पंजाब, देखिए अवध जो है वो पंजाब का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है पंजाब का, वो है 73.55 डिग्री ईस्ट और 76.50 ईस्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर 135 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर हम बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 138 के बाद, 139 नंबर क्वेश्चन है। तो 139 में आपसे पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग सूफी सेंट इज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट पोएट ऑफ पंजाबी। सो यहाँ पर जो नाम आएगा एक मिनट, 139 नंबर क्वेश्चन है ना, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा शेख फरीद होगा, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल क्रॉनिकल मेंशन पंजाब एज अ टेरिटरी कैन बी डिवाइडेड इनटू लाहौर और मुल्तान, ये आपका अकबर ने किया था, आईने अकबरी में चीजें मेंशनड है 140 का, ऑप्शन बी ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं 141 की, सो ओके देखिए स्विचिंग बहुत जल्दी फास्ट हो रही है थोड़ी। चलिए फिर बात करते हैं 141 की, तो महाभारत में पंजाब जो है वो किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है पंचनाद के नाम से, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। लास्ट सिख रूलर कौन थे, महाराजा दलीप सिंह, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 नंबर क्वेश्चन है। Which of the following is a folk embroidery art of Punjab that is called as a Phulkari? Option number D होगा correct answer. Ancient name जो है river का, Ravi river का क्या है? Purushini है. Option number A यहाँ पर भी हो जाएगा. 144th का correct answer. Then हम बात करते हैं question number 145 की. So 145 में Pepsu, आपने नाम सुना होगा कभी आप पंजाब विजिट किए होंगे, तो आपको पता होगा कि वहाँ पर बसेस चलती हैं Pepsu के नाम से, ठीक है। तो पेप्सू का फुल फॉर्म पूछा है सिंपल, ये क्या है पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट प्रोविंस का, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को रीड करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी मुझे यहाँ पर, क्योंकि फुल फॉर्म पूछा था पेप्सू का। अच्छा चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 146 के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पंजाब के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर 23 जिले आपको देखने को मिलेंगे पंजाब में। 146 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है अनड्यूलेटेड प्लेन एंड खांदी एरियाज ऑफ पंजाब आर होम ऑफ दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन। किस टाइप ऑफ वेजिटेशन, दैट इज बेसिकली दिस इज टॉकिंग अबाउट द ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस वेजिटेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। मंजली सिस्टम जो है वो किस गुरु ने शुरू किया था, तो यहाँ पर 148 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अमरदास, ऑप्शन नंबर बी 148 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 149 की, तो 1950 के अंदर फाउंडेशन रखी गई थी एक नए राज्य नए शहर की, जो रावी और ब्यास नदी के बीच में है, जिसे गुरु अर्जन देव ने स्थापित किया था, और उस शहर का नाम क्या है, उस शहर का नाम है तरन तारण, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है, 9 मार्च 1846 को ये ट्रीटी आपको साइन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमने इस पेपर के अंदर बात करी, ये पेपर था आपका PSSB की तरफ से आयोजित पटवारी पोस्ट जो थी आपकी रेवेन्यू ऑफिसर, उसका एग्जाम था, जो कि 14 मई 2023 को एग्जाम कंडक्ट हुआ है। इस पेपर के अंदर 150 क्वेश्चंस थे, हमने इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर जो GS के क्वेश्चंस हैं और जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर टच किया है, उनके आंसर्स को देखा है। सिंपल क्वेश्चंस थे, बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। आई होप सो आपका पेपर अच्छा गया होगा। तो
तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं।